कारोबारी शख्सियत के कब्जे से एक नहीं दो नहीं दस नहीं पचास नहीं सौ नहीं एक सौ पचानवे करोड़ रुपए नकदी तेईस किलोग्राम सोना और छ करोड़ मालियत का कीमती सामान बरामद हो गया है बल्कि पूरा का पूरा खजाना बरामद हुआ है बिजनेस मैन की जेरे मलकियत मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे गए और तारीख की सबसे बड़ी रकम बरामद हुई है ये रकम कैसे बरामद की गई है आपको बताते हैं कि भारत के शहर कानपुर से ताल्लुक रखने वाली कारोबारी शख्सियत के कब्जे से एक सौ पचानवे करोड़ भारतीय रुपए नकदी जबकि तेईस किलोग्राम सोना और छह करोड़ रुपए के मालियत का कीमती सामान बरामद हुआ है छापे मारे जाने वाली टीमों के मुताबिक कब्जे से एक करोड़ भारतीय रुपए और कई कीमती सामान भी बरामद हुए हैं 120 घंटे के तवील छापे के दौरान जब्त किए गए खजाने की गिनती के लिए भारत के मरकजी बैंक से मदद ली गई और नौ मशीनें लगी मशीनों की मदद से रुपयों की कई घंटों में गिनती जारी रही जबकि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया के इस ताजर को टैक्स छुपाने के जुर्म में बावन करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया है और मुलिम इस वक्त चौदह रोजा जुडिशल रिमांड पर पुलिस की तहवील में है दूसरी जानेब कारोबारी शख्सियत के वकील का यह कहना है कि अदालत में मौका उसने अपनाया कि जुर्माने आ, की बावन करोड़ रुपए की रकम की वसूली के बाद बाकी रकम मेरे वकल को वापस की जाए तहम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि के, केस के फैसले तक रकम हुकूमत के अकाउंट में रहेगी नाजी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज आपको मौसू हो सके